आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि मल द्वार के आसपास बनी कोई फिंसी है, क्या वह आम साधारण फिंसी है या कुछ और। फ्रेंड्स, अगर किसी भी मरीज़ के मल द्वार के आसपास कोई फिंसी हो गई है और वह फिंसी जो है ठीक नहीं होती है, दवाइयाँ एंटीबायोटिक खा ली जाती है, वह सूख जाती है, एक दो महीने के बाद फिर से देखा जाता है कि वह फिंसी में फिर से पस जो है वह आना शुरू हो गया है, फिर दवाई खा ली जाती है, फिर 10-15 दिन के लिए फिंसी ठीक हो जाती है, लगता है कि बिल्कुल ठीक हो गया, कुछ भी नहीं है, और फिर से उस फिंसी से पस आना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मल द्वार के आसपास जो बनी जो फिंसी है वह असल में फिस्चुला का साइन होता है। फिस्चुला होता है, फिस्चुला की डेफिनेशन है ए ट्रैक बिटवीन टू ओपनिंग्स। दो ओपनिंग्स होती हैं, दो फिंसियाँ हो गई हैं मल द्वार के आसपास। एक जो मलद्वार है, मलद्वार में बाहर की तरफ दिखाई पड़ती है, वह एक नली का मुंह है। एक नली है, एक पाइप है, उस पाइप का जो मुंह है वह फिंसी के रूप में मलद्वार के आसपास दिखाई देता है। ठीक वैसी ही फिंसी, उस तरह की फिंसी मलद्वार के अंदर भी बनी हुई है। तो मलद्वार के अंदर वह फिंसी और जो बाहर की फिंसी है आपस में दोनों जुड़ी हुई हैं। ये फिस्चुला बना हुआ है, फिस्चुला इसको कहते हैं। तो एक पाइप नुमा संरचना रहती है, नली नुमा संरचना एक रहती है, इसको भगंदर कहा जाता है। पेशेंट कितनी भी मेडिसिन खा ले, कितने भी सीड्स बात कर ले, कितना भी जात्यादि ऑयल यूज़ कर ले, कितनी भी एंटीबायोटिक खा ले, आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा ले, कुछ भी खा ले, होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ खा ले, पर वह फिंसी ठीक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उस फिंसी से जुड़ी हुई जो नली है और नली का जो अंतिम सिरा है जो अंदर भी फिंसी के रूप में खुलता है वह फिस्चुला की इंटरनल ओपनिंग कहलाती है। तो फिस्चुला की दो ओपनिंग होती हैं, जो मलद्वार के आसपास जो फिंसी बनी है वह एक्सटर्नल ओपनिंग है, उसको एक्सटर्नल ओपनिंग कहते हैं। अगर आप मलद्वार देखा है आपने और मलद्वार के आसपास आपको कोई फिंसी मिली है, तो इस फिंसी का जो नाम है वह फिस्चुला है, और फिस्चुला के जो ये ओपनिंग है इसको एक्सटर्नल ओपनिंग कहते हैं। दो ओपनिंग होती हैं फिस्चुला की, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो ये एक्सटर्नल ओपनिंग है जो फिंसी के रूप में मलद्वार के आसपास दिखाई दे रही है। इसी तरह की ठीक एक फिंसी अंदर भी बनी हुई है। साइज़ में दोनों अलग अलग हो सकती हैं, इंटरनल ओपनिंग अलग हो सकती है साइज़ में, बिहेव में, वह इसकी इंटरनल ओपनिंग कहलाती है। तो ये एक नलीनुमा संरचना होती है। तो मलद्वार के आसपास बनी हुई किसी भी फिंसी को साधारण फिंसी समझ करके एंटीबायोटिक न खाते चले जाएँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर एंटीबायोटिक लिख दिया और मेरे पास पेशेंट आए हैं इस तरह के, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उनके बारे में भी। पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर प्रिस्क्राइब कर दिया एंटीबायोटिक 5 दिन के लिए, उन्होंने 5 दिन दवाई खाई, फिंसी जो बनी थी लैट्रिन के रास्ते के आसपास उससे पास आना बंद हो गया, पेशेंट को लगा मैं ठीक हो गया, फिर उस दवाई से जो है अपना वो जो पस था वो सूख गया, एंटीबायोटिक ने उस पस को सुखा दिया। पेशेंट को 20-25 दिन 30 दिन तक मवाद नहीं आया, पस नहीं आया, वो प्रिस्क्रिप्शन लेटर पेशेंट ने रख लिया और फिर से वही दवाई मेडिकल स्टोर से लेके खा ली, फिर से उसको आराम पड़ गया और फिर से उसको 20-25 दिन पस नहीं आया। तो इस तरह से 1-1.5 साल तक उस पेशेंट ने एंटीबायोटिक खाया, सेम एंटीबायोटिक। अब आप सोचिए, सेम एंटीबायोटिक पेशेंट खा रहा है बिना किसी जानकारी के, मैं अगर सेम एंटीबायोटिक पेशेंट खा रहा है और उसको ये नहीं पता कि क्यों ऐसा है वो कर रहा है, तो इस तरह से भी पेशेंट करते हैं। तो आराम पड़ने को ठीक होना ना समझे, आराम बहुत सी चीज़ों से मिल जाता है, पर ठीक होना एक अलग वे में काम करना होता है जब पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो पाता है। तो अगर मलद्वार के आसपास आपको कोई भी किसी तरह की फिंसी है तो आप अपने आसपास कोई 4 सूत्रा स्पेशलिस्ट BAMS डॉक्टर जो हैं उनको आप दिखाइए और रोग की जांच ज़रूर करवाइए। रोग की जांच किए बिना आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, जितना देर करेंगे उतना बीमारी जो है वो बढ़ जाती है। तो जो जितनी जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा वो उतनी कम तकलीफ़ में ही, उतने कम पैसे में ही, उतने कम दिनों में ही ठीक हो जाता है।